PTNI News Channel। ससुर व पति की मौत के बाद 9 माह की गर्भवती महिला का दर-दर की ठोकरी खाने को मजबूर। भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने लिया संज्ञान तो प्रशासन में मचा हड़कंप। मामला कमला नगर आगरा का है। शिल्पी गोयल की शादी विशाल गोयल से 2017 में हुई थी। इस दौरान उन्हें एक बेटा भी हुआ। वह 1.5 वर्ष का है और अब शिल्पी 9 माह की गर्भवती है। इस कोरोना काल में ससुर एवं पति की मौत हो जाने के बाद ननद एवं सास ने 9 माह की गर्भवती शिल्पी गोयल का मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया एवं भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं देने को तैयार। अब 9 माह की गर्भवती इतनी परेशान है कि वो अब दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। किसी ने भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण से मिलने को कहा। जब पीड़िता प्रियंका वरुण से मिली और अपनी आपबीती सुनाई तो अध्यक्ष ने SSP से मुलाकात की एवं हरि परवार थाना CO से भी मुलाकात की और पीड़िता को तत्काल न्याय दिलवाने की मांग भी की, जिसमें CO थाना हरि पर्वत ने तुरंत SO एवं चौकी प्रभारी को आड़े हाथों लेते हुए एवं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश जारी करते हुए न्याय की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTNI न्यूज, आगरा। इस सिचुएशन में ये कहां जाएंगी? जब SHO से हम बात करते हैं तो SHO प्रभारी कहते हैं कि अरे माँ ने बेटा खोया है, बहन ने भाई खोया है, तो क्या पत्नी ने पति नहीं खोया है? ये नन्ही सी जानों ने अपना पिता नहीं खोया है? या जो ये दुनिया में जो नन्ही जान आने वाली है इसने अपना पिता नहीं खोया है? ये लेकर के कहां जाएंगे? लेकिन SHO साथ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर जाने के लिए प्रताड़ित महिला शिल्पी गोयल जो बार बार चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम ये मांग यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जिस तरीके की घटना बच्ची के साथ घटित हो रही है शिल्पी गोयल के द्वारा, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको न्याय दिलाया जाए। हम मानते हैं कि जो भी इनके पति द्वारा जो भी सामान खरीदा हुआ है, प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी चीज है, वो इनको ना देकर के इनके बच्चे के नाम कर दी जाए, जिससे कि इनका फ्यूचर सेफ हो पाए। अगर मान लीजिए अभी फैमिली में केवल इनकी सास और इनके केवल ये बिटिया है और दो बच्चे हैं, ये लेकर के कहाँ जाएंगे? अगर आपने अपना बेटा खोया है तो उन्होंने भी तो अपना पति खोयाना है। SSP साहब ने यह कहा कि आप CO और रिपर्वत थाना पे महिला हैं, आप उनसे कल जाकर के मिल लीजिए, वहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाएगी। SHO बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इधर से उधर घुमा रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर बैठ करके SSP कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगी। SSP कार्यालय के बाहर मैं महिला शिल्पी गोयल को लेकर के धरना करूंगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठूंगी। कोरोना काल में पूछ भी नाम क्या आपका? शिल्पी गोयल। शिल्पी कहाँ रहते हो आप? कमला नगर। मामला क्या हुआ जो SSP ऑफिस पे आए हो आप? मैं इसलिए आई हूँ कि कोरोना काल में मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर की डेथ हो गई। उसमें कमाने वाला घर में कोई नहीं बचा है, मैं और मेरी सासू माँ है जी। और मुझे घर में इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे ननद और नंदो और नंदुओं के कपिल छवि जो मेरे नंदो हैं और दूसरे हैं रति और उनके हस्बैंड अमित गर्ग और छवि बंसल के क्या नाम है सास ससुर हरीश अग्रवाल और उनकी वाइफ, वो लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, घर से निकालने के लिए धमकी देते हैं, मुझे मेरे बच्चों को छीनना चाहते हैं, कहते हैं एक उसको दे दो और एक उसको दे दो, छवि को दे दो और एक रति को दे दो, और मेरे से कहते हैं कि अपने मायके चले जाओ। और मेरे पेट पे भी लात मारी उन्होंने, मुझे थप्पड़ भी मारे, मुझे मारपीट के तेज गाली गलौज करते हैं। पति क्या करते थे आपके? ले गए मेरा उठा। पति क्या करते थे आपके? मेरे पति का बिजनेस है जो कार एसेसरीज का होलसेल का काम है, उस पर उन्होंने पूरे पे कब्जा कर रखा है। और किससे कब्जा कर रखा है? मेरे इनके ननद उनके ससुर ने हरीश अग्रवाल और उनकी वाइफ ने। खाने गए थे आप? शिकायत की थी आप खाने में? बिल्कुल, ऐसी के पास गई, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया थाने गए हुए आप लोग को? 6 तारीख को गई थी। 6 तारीख को सुनवाई नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। और अगर मेरे को अगर आज भी अगर सुनवाई नहीं हुई यहाँ तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी। मुझे वैसे ही सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, ना कोई खर्चा दे रहा ना पानी, इस टाइम मेरी डिलीवरी का भी खर्चा नहीं है मेरे पास, और सामान मेरा सारा कब्जे में कर रखा है इन्होंने, बिजनेस का सारा लैपटॉप ब्लेजर, यहाँ तक कि मेरी LIC पॉलिसी के बॉन्ड वगैरह सारी चीज है, और उनके सारे बैंकों के ATM पासबुक चेकबुक सब उठा के ले गए हैं। मेरा गोल्ड। प्रथम TV न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।